हेलो दोस्तों, हाय, मैं राम राठे। आज मैं आपको एक ऐसी टेबलेट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जिस टेबलेट को आज के डेट में जो है लगभग 70-80% लोग यूज कर रहे हैं। जिस टेबलेट के बारे में हम आपको बताएंगे कि उसके क्या घातक साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो लोग रेगुलर उसे लेते हैं, और उसके शरीर में क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं, और वह दवा किन किन मरीजों को देनी चाहिए और किन मरीजों को नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, आज हम आपको मैन फोर्स टेबलेट के बारे में बताएंगे, जिस टेबलेट का उपयोग इस समय शीघ्र पतन और स्वप्न दोष जैसी बीमारियों में इस टेबलेट को लोग या वह लोग जो अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, वह लोग इस दवा का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों, कई बार लोगों को इसके यूजेज की सही जानकारी ही नहीं होती है और लोग इसका यूज करते हैं, फिर वो कहते हैं कि इस दवाई का कोई मुझे खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इस दवाई का जो है सही उपयोग किस तरह से आप कर सकते हैं जिससे इसका सही रिजल्ट आपको मिले और आप इस दवा को रेगुलर ना लें, और लें तो कितने दिन तक और कितने दिनों तक ना लें, जिससे कि यह आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। बात कर लेते हैं इसके यूज की। तो दोस्तों, इसका यूज अगर आप शाम के समय, मान लीजिए कि आप सेक्स समस्या से परेशान हैं, आप अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, उस स्थिति में लोग इस टेबलेट का उपयोग करते हैं, जो कि लोग सोचते हैं कि मैं इसे खाने के बाद अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाऊंगा, इसलिए लोग इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग हमें सेक्स करने से कितने समय पहले करना चाहिए, तो इसका सही उपयोग है कि हम सेक्स करने से लगभग 2 या 2.5 घंटे पहले इस टेबलेट का यूज करें, यानी इस टेबलेट को खाएं। उसके कम से कम 2.5 या 3 घंटे के बाद ही हम अपने पार्टनर के साथ में सेक्स करें, तभी इसका जो है अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि टेबलेट खाई और उसके 10 से 15 मिनट बाद वो लोग सेक्स करने लगते हैं, तो उस स्थिति में जो है इस टेबलेट का कोई भी रिजल्ट उन्हें नहीं देखने को मिलता है। इससे लोग कन्फ्यूज में भी रहते हैं कि हाँ, यह टेबलेट काम नहीं करती है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। कई दफ़ा लोग इस टेबलेट का डबल डोज ले लेते हैं, तो उस स्थिति में आपको इससे चक्कर आना, पेट में दर्द जैसी भी दिक्कत हो सकती है, और रेगुलर इसका प्रयोग ना करें। रेगुलर इसका प्रयोग करने से हमारा लीवर और हमारा पाचन सिस्टम है वो सही से काम नहीं करता है, जिसके जाके आगे हमें बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसका प्रयोग कम से कम करें तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी लाइफ में इस टेबलेट को रेगुलर लेने से हमारे शरीर पर इसके बहुत ही दुष्परिणाम, खासकर हमारा लीवर इससे डैमेज हो सकता है। दोस्तों, आप इस टेबलेट को रेगुलर ना लें तो ही अच्छा है। ये रही दोस्तों कुछ मैन फोर्स टेबलेट के बारे में जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे दवाई से रिलेटेड वीडियो आने पर आप उन्हें जल्दी से देख सकें। इस प्रकार की जानकारी मैं आपको आगे भी देता रहूँगा।